राजस्थान में चुनावी शोर थम चुका है। 25 सीटों में से 12 सीटों पर 19 अप्रैल को एवं 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। मतदान होने के बाद भाजपा के लिए शुभ संकेत रहे तो वहीं कांग्रेस के लिए बड़े संकट। 12 सीटों पर हुए मतदान के बाद कांग्रेस बहुत उत्साहित थी और यह मानकर चल रही थी कि नतीजे उनके अनुकूल होंगे। कांग्रेस का यह भी मानना था कि जो मतदान प्रतिशत में कमी आई है वह भाजपा के मतदाताओं की रही है। उनका मानना था कि जनता में भाजपा के लिए एंटी इनकन्वेंस थी। ऐसे में कांग्रेस अपने लिए अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि उसके लिए माहौल मुश्किल भरा रह सकता है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं जयपुर लोकसभा सीट की। क्या रहेगा जयपुर लोकसभा सीट का नतीजा? अगर हम पिछले चुनावी नतीजे की बात करते हैं तो 2009 में हुए चुनावों में टोटल वोटिंग 48.26% हुई, जिसमें भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी को 46.91% वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के महेश जोशी को 48.89% वोट मिले और नतीजा यह रहा कि बरसों से जीत रही भाजपा को 16,099 वोटों से कांग्रेस के महेश जोशी ने पटकनी दी। लेकिन इसका बदला 2014 में हुए चुनावों में बीजेपी ने भारी मतों से जीतकर लिया। 2014 में टोटल वोटिंग 66.24% हुई, जिसमें बीजेपी के रामचरण बोहरा को 66.47% वोट मिले और वहीं कांग्रेस के महेश जोशी को 24.94 वोट मिले। और एक बार फिर 2014 में नतीजा बदला और बीजेपी ने 5,39,345 वोटों से जीत दर्ज की। और यही सिलसिला 2019 में हुए चुनाव में भी रहा। 2019 में हुए चुनाव में 68.47% टोटल वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के रामचरण बोहरा को 63.44% वोट मिले और दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल को 33.88% वोट मिले और वापस से 2014 का ही इतिहास दोहराया गया। 4,30,626 वोटों से बीजेपी की भारी जीत हुई। अब देखना यह है कि 2024 में हुए चुनाव पे नतीजा क्या रहता है। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल वोटिंग 63.48% हुई। हमारी जनता से लिए गए सर्वे के अनुसार बीजेपी के जीतने की पूरी संभावनाएं और मोदी लहर के चलते जनता बीजेपी के समर्थन में नजर आई। इस सर्वे के अनुसार भाजपा की मंजू शर्मा को 58% वोट एवं खाचरियावास को 40% वोट मिलने की संभावना दर्शाई जा रही है। जनता के विचार जानने के बाद आसार पूरी तरह नजर आ रहे हैं कि यह सीट भाजपा के खाते में ही जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंजू शर्मा भाजपा के वरिष्ठ व कदावर नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी है। पार्टी ने इन पर विश्वास जताकर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ उन्हें मौका दिया और वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के कदावर नेता हैं और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास यह कहते भी नजर आए हैं कि बीजेपी है ही नहीं, यह तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को लेकर अपनी पार्टी बना रही है। बीजेपी तो खत्म हो चुकी है, वहां भी सारे नेता कांग्रेस के ही है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी। अब चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा। और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।